वैसे तो सबसे शान शहरों की बात आती है तो जयपुर का नाम सबसे ऊपर रखा जाता है, लेकिन समय समय पर जयपुर से कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आती है जो सांप्रदायिकता की तपिश का एहसास करवा देती है। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। गुलाबी नगरी जयपुर वो सुंदर शहर है जिसने अपनी पहचान छोटी काशी के रूप में बनाई है। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की जाती है, लेकिन अब यहाँ की फिजा में लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ये पूरा मामला जयपुर के शास्त्री नगर इलाके का है, जहाँ इस समय लगे पोस्टर सबसे ज्यादा चर्चा में है। इन पोस्टर्स पर लिखा है, सनातनियों से अपील है पलायन को रोके। सभी सनातन भाई बहनों से निवेदन है कि अपने घर गैर हिंदुओं को ना बेचे। यहाँ के लोग नाराज हैं, उनका आक्रोश इतना बढ़ गया है कि वो ये पोस्टर लगाने पर मजबूर हो गए हैं। चलिए सुनाते हैं क्या कहना है स्थानीय लोगों का और पुलिस प्रशासन का। ये सर ना, ये मोमडन वगैरह हमारे यहाँ पे लालच दे के मकान खरीद रहे और हम इन लोगों से बहुत ज्यादा परेशान है। ये हमारी बहन बेटियों को छेड़ते हैं, रातों ही घर में रोडों पे चक्कर लगाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, अब शब्द बोलते हैं, बहन बेटियों का निकलना दुश्वार हो रहा है और नशा, रातों को यहाँ पे मोमडन निकलते हैं, नशे कर करके लगते हैं, हमारी छोटी छोटी नस्लें खराब कर रहे हैं, मतलब हमारी युवा पीढ़ी को भी खराब कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को भी खराब कर रहे हैं, हर तरीके से हम परेशान हैं इनसे। और हम मोहल्ला होके प्रशासन के पास गए, प्रशासन ने भी हमारी सुनवाई नहीं करी। यहाँ पे आते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, सीटियाँ बजाते हैं, बहन बेटियों को छेड़ते, छोटे छोटे युवा है इनको खराब कर रहे हैं, इनको इसमें वगैरह गांजा वगैरह का इनकी लत लगवा रहे हैं। सर, सबसे बड़ी तो बात ये है कि हम ये मकान बिक्रे हैं तो हम ये चाहते हुए सनातनी को दे और हमारी लड़कियाँ सुरक्षित रहे। हमारी लड़कियों को बहुत परेशानी आ रही है, सामने सरकारी स्कूल है तो सरकारी स्कूल में बच्चियाँ पढ़ रही है तो वो बच्चियाँ निकल नहीं पाती है। अच्छा, अब बच्चे निकलते हैं तो इतनी गाड़ियां आके खड़ी हो जाती है वह सरकारी स्कूल के पास, तो हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। हमारे चौराहे पे लड़के आते हैं, तेज गाड़ियां चलाते हैं, स्पीड में तेज गाड़ियां चला चला के सीटियां बजाते हैं, हाई उल्ला करते जाते हैं, तो हमको सुरक्षित थोड़ी है, इसीलिए हमने ये पर्चा लगाया। लोकतांत्रिक देश में हम रह रहे हैं, या कानून की प्रक्रिया के तहत जो हमारे से कार्रवाई नियम अनुसार बनती है वो हम करेंगे। प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देना हमारी ड्यूटी है, उसमें हम हमारी ड्यूटी को परफॉर्म अच्छे से करेंगे, उसमें किसी भी नागरिक को कोई असुरक्षा की भावना नहीं होगी। शिकायत क्या दी है क्या दी इन्होंने? शिकायत देखेंगे, जांच करके फिर बताएगा। शिकायत आई तो होगी ना, जांच तो करोगे, क्या शिकायत आई आपके पास? इन्होंने क्या शिकायत की? ये लोग आए हैं आपसे मिले हैं, कुछ शिकायत तो दी होगी? मोहल्ले में न्यूसेंस की थी है। किसने? मोहल्लेवासियों ने। अच्छा, उसमें जांच करेंगे, जांच में जो भी पाया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई की। ठीक है।